हो रहा है, जगह जगह इंडस्ट्रीज बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है, बहुत हैवी मशीन्स यूज की जाती हैं, बहुत हैवी एग्जॉस्ट फैन यूज किए जाते हैं और जनरेटर्स यूज किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेसिव साउंड या अनवांटेड साउंड आप कह सकते हैं उन्हें, और वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स डालती हैं, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन एंड कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, और साथ ही साथ मैं इम्पैक्ट ऑफ द और इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन ऑन द हेल्थ ये भी डिस्कस करूँगी। इसको मैं हमेशा साथ में लेके क्यों चलती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पोल्यूशन नहीं पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि उस पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, टेलीग्राम पे आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूले, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज द एयर पोल्यूशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन द हेल्थ। जिसको देखना आपके लिए जरूरी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में, ठीक है, दोनों में ही आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, ये सोशल फार्मेसी चैप्टर 2 का ही टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, नॉइज़ पोल्यूशन। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। सो नॉइज़ पोल्यूशन डिफर्स टू एन अनवॉन्टेड और एक्सेसिव साउंड दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब वो ऐसा कोई भी साउंड या ऐसा बहुत तेज़ एक्सेसिव बहुत ज़्यादा भाव आप कह सकते हो, जैसे लाउड स्पीकर्स की आवाज़ होती है या कोई भी अनवांटेड साउंड, जिससे क्या होता है कि ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है, वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगल में जीव रहते हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ा है या इन्वायरमेंट के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। तो ऐसे किसी भी टाइप के अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड को आप क्या कह सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें नॉइज़ की, नॉइज़ का नंबर ये वर्ड जो है ना, ये कहाँ से डिराइव हुआ था, ये डिराइव हुआ था नौजिया से। नौजिया का मतलब आपको पता है, लैटिन वर्ड है नौजिया, विच मीन्स सिकनेस इन विच पर्सन फील्स टू नीड टू वॉमिट। ओके, इसमें क्या होता है कि नौजिया एक जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि पर्सन को बार बार वॉमिट करने का मन करता है। ठीक है, तो ये जो नॉइज़ वर्ड है ये यहीं से डिराइव हुआ था, लैटिन वर्ड नौजिया से। ठीक है, तो कोई भी नॉइज़ आप कह सकते हो कि नॉइज़ भी एक क्या है कि बहुत शोर हो रहा है, यानी कि वो भी एक अनप्लीजेंट वो होती है या अनप्लीजेंट एक्टिविटी या डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करती है, जो भी कहीं पर भी अनडिज़ायरेबल साउंड होता है। तो ठीक है, तो वो साउंड नहीं, फिर वो नॉइज़ कहलाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट देता है ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या हुआ कि कोई भी ऐसा अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड जिससे कि ह्यूमन की हेल्थ और वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, वो क्या है आपका, नॉइज़ पोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद करते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, ही सबको पता है। ठीक है, कि साउंड को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। और जो ह्यूमन का ईयर है, ठीक है, ह्यूमन ईयर कहाँ तक का साउंड सुन सकता है, 1 डेसिबल तक का जो साउंड होता है उसको वो सुन सकता है आसानी से, यानी क्लियर सुन सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, लाइक द ट्रांसपोर्ट नॉइज, नेबरहुड नॉइज एंड इंडस्ट्रियल नॉइज। तो अब इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपको वन बाई वन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द पोल्यूशन इज द ट्रांसपोर्ट
नॉइस, ठीक है. फर्स्ट टाइप ऑफ द नॉइस पोल्यूशन इज़ द ट्रांसपोर्ट नॉइस पोल्यूशन. इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द ट्रैफिक नॉइस, ठीक है. जो भी ऑटोमोबाइल्स, बस, व्हीकल्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, वो सारी क्या कर रही हैं, एक तरह से नॉइस क्रिएट कर रही हैं और ये नॉइस पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है, ठीक है. तो जो कि आपको पता है कि इधर कुछ सालों में क्या हो गया है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है. लोग अपनी गाड़ी से जाना पसंद करते हैं, ठीक है. लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो गई है, ठीक है. सब कोई, अगर घर में तीन बंदे हैं तो घर में तीन गाड़ियां हैं, ठीक है. यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग गाड़ी से, भले ही डेस्टिनेशन उनकी अलग हो लेकिन अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, ठीक है. कॉमन व्हीकल यूज़ करने होने से क्या होता है कि जब नंबर ऑफ़ पीपल एक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होने के चांसेस कम होते हैं. पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होने के भी चांसेस हैं और साथ ही साथ एयर भी पल्यूट हो रहा है. बट हम यहाँ पर स्पेशली फोकस कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन के ऊपर क्योंकि हम नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके. द इंक्रीज इन द नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू डिफनिंग ऑफ ओल्डर पीपल, हेडेक एंड हाइपरटेंशन, ओके. तो नॉइस पोल्यूशन, जैसे ही नॉइस पोल्यूशन की रेट क्या हो रही है, ईयर के साथ, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं, ओल्डर पीपल हैं, उनमें क्या हो रहा है, बहरापन, डिफनिंग, ठीक है, बहरापन होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं. हेडेक और हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये सारी जो है डिजीजेस क्या हो रही हैं लोगों में डेवलप हो रही हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉइज पोल्यूशन इज़ द नेबरहुड नॉइज़. नेबरहुड नॉइज़ का मतलब क्या होता है कि आसपास के, जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास के लोग जो हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, कैसे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैसे यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो उससे भी क्या होता है कि नॉइज़ क्रिएट होता है और वो क्या करता है कि नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है. तो द नॉइज़ फ्रॉम गैजेट्स एंड हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक है. गैजेट्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो आजकल लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप कह सकते हो कि स्पीकर्स हैं, ठीक है, वूफर्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल भी एक है, ठीक है. तो ये सारे आप जो लोग क्या होते हैं कि 24 आवर कुछ लोग कानों में लीड लगा के रखते हैं, ईयरफोन लगा के रखते हैं, ठीक है. तो ये सारे क्या है, एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रहा है. और ये क्या कर रहा है कि मतलब किसी न किसी तरह से आपकी हेल्थ को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, आपके नेबरहुड नॉइज़ हैं, ठीक है, जो आसपास में होते हैं, लाउड स्पीकर्स, ट्रांजिस्टर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें एक तरह से क्या कर रही हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. लास्ट टाइप ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द इंडस्ट्रियल नॉइज़. जैसा कि आपको टर्म से पता हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स यूज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, ठीक है, हाई इंटेंसिटी साउंड होता है उनके पास. तो एक तरह से वो नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं. सो इट इज़ हाई इंटेंसिटी साउंड विच इज़ कॉज बाई द हैवी इंडस्ट्रियल मशीन्स, ठीक है. जो भी इंडस्ट्रीज मशीन यूज हो रही हैं उनकी जो साउंड होता है वो बहुत हाई इंटेंसिटी साउंड होता है जो कि कानों के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो जो सुनने की क्षमता होती है ना, हियरिंग एबिलिटी, उसको क्या करता है कि 20% तक डैमेज कर सकता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चेस इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन डैमेजेस, इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन डैमेजेस द हियरिंग कैपेबिलिटी और हियरिंग एबिलिटी टू अराउंड 20%, ठीक है. 20% तक ये जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ होती है वो हियरिंग, सुनने की क्षमता होती है उसको ख़त्म कर सकती है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ द कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है. नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है, लोग इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द नॉइज़ पोल्यूशन एज द यूज ऑफ हैवी मशीनरीज सच एज द जनरेटर्स, मिल्स यूज एग्जॉस्ट फैंस, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द अनवांटेड नॉइज़, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री बनना, ठीक है, जगह जगह पे इंडस्ट्री बनना. इंडस्ट्री क्यों बनती है, किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनती है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज होती हैं, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती हैं, जनरेटर्स यूज होते हैं, मिल्स यूज बहुत बन यूज होती हैं, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं जो अंदर के स्मोक को बाहर निकालते हैं, ठीक है. तो ये सारे जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी मशीन, जनरेटर्स, मिल्स, ये सब यूज हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं, हाई इंटेंसिटी नॉइज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रही है, ठीक है.
सो द सेकेंड इज़ द व्हीकल्स. इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स आर द सेकेंड रीज़न फॉर द नॉइज़ पोल्यूशन. जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको टाइप्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन में कि ट्रांसपोर्ट क्या है, कि एक सेकेंड रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. हॉर्न जो होते हैं, जो अननेसेसरी लोग हॉर्न यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बहुत ही लाउड मतलब म्यूज़िक बजा के रखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कर रही हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. द नेक्स्ट सोर्स ऑफ दिस नॉइज़ पोल्यूशन इज द इवेंट्स. इवेंट्स लाइक वेडिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स इन्वॉल्व लाउड स्पीकर्स टू प्ले म्यूजिक, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड नॉइज़ इन द नेबरहुड, ठीक है. शादियाँ हो रही हैं, लोग गैदर करें, कोई भी फंक्शन, आजकल तो छोटे मोटे फंक्शन भी जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे भी डीजे बज रहे हैं, ठीक है, थीके? या फिर कहीं पे पब्लिक गैदरिंग हो रही है, लोग किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर्स क्या होते हैं कि अनवांटेड नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है वहाँ के लोगों के लिए, जो आसपास के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए. तो इवेंट्स क्या हैं, इवेंट्स या पब्लिक गैदरिंग या वेडिंग्स, शादी जो होती हैं वो भी एक तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. क्यों? क्योंकि म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है आसपास के लोगों के लिए, ठीक है. उसके बाद क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन साइट्स. कंस्ट्रक्शन साइट्स का मतलब जहाँ पे कुछ बन रहा हो, माइनिंग, यानी जो खदान में खुदाई उदाई होती है कोयला निकालने के लिए, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं. माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ऐड टू नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है. माइनिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे बनती है वहाँ पे भी बहुत सारी मशीन्स यूज होती हैं. आई डोंट नो व्हाट आर द टाइप ऑफ दीज मशीन और व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज मशीन, ये मुझे नहीं पता है, बट मैंने देखा है ऐसा कि कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं, जो बहुत ज़्यादा लाउड करती हैं, शोर करती हैं, ठीक है. तो वो भी क्या कर रही हैं, एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. तो स्टूडेंट्स, ये क्या थे, सोर्सेस थे या कॉजेस थे नॉइज़ पोल्यूशन के, जो मैंने अभी आपको बताया. सो द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है. यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. मैं ये टॉपिक इसलिए इसमें इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि जो आपका ये पोर्शन है नॉइज़ पोल्यूशन का, वो चैप्टर 2 के उस पोर्शन में आता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द हेल्थ, ठीक है. तो जितने भी पोल्यूशन डिस्कस किए गए हैं उसमें सब में आपको ये जानना जरूरी है कि उस पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जिस फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोल्यूशन है उनका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो द नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ इन द फॉलोइंग वे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द हाइपर टेंशन विच इज कॉज बाय द नॉइज पोल्यूशन, ठीक है. इट इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन विच इज कॉज ड्यू टू द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है. जब नॉइज़ पोल्यूशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे शोर में, भीड़ में क्या होती है, घबराहट होती है. घबराहट क्यों होती है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है. तो नॉइज़ पोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. पर जब वही ब्लड प्रेशर एक बहुत समय तक वैसे ही बना रहता है तो वो हाइपर टेंशन की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड आपका आता है हियरिंग लॉस. आपको पता है कि जो ह्यूमन ईयर है, ठीक है, वो एक लेवल तक के ही साउंड को क्या करता है, स्टैंड कर सकता है, ठीक है. उससे ज़्यादा का अगर साउंड उसकी ह्यूमन ईयर तक जाता है, उससे ज़्यादा लाउड साउंड जाता है अगर, तो वो क्या करता है कि ह्यूमन के जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उन्हें ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से जो सुनने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है. वो जो पर्सन है वो सुन नहीं पाता है, और ये ओवरऑल क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होता है. सो द नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ कॉज बाय द नॉइज़ पोल्यूशन इज द स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओके. नॉइज़ पोल्यूशन हैम्पर्स द स्लीप साइकिल्स लीडिंग टू द इरीटेशन एंड अनकम्फर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड. आपको पता है कि आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पास में बहुत लाउड स्पीकर बज रहा हो, ठीक है, आप वहाँ पर सो नहीं पाओगे, ठीक है. अगर आप सो नहीं पा रहे हो, आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जा रही है, तो आप जब सुबह उठोगे तो आप क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, आपका माइंड उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, इरिटेशन होगी, ठीक है. तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर कॉज कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़. कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ में क्या आता है कि बीपी बढ़ जाता है, या फिर किसी को, कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी
कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसको अगर ऐसे एरिया में लेके चले जाएंगे जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन हो जा होता है, तो इट माइट फील अ सडन शूट अप इन द लेवल, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अचानक से क्या होगा कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये थे आपके नॉइज़ पोल्यूशन के ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था वो था नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन कितने टाइप का होता है, नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज एंड सोर्सेज क्या होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए अभी तक अगर नहीं लाइक किया है, और अगर आप मेरे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ओके। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कोई स्पेशल एडवाइस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ओके। सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला, थैंक यू सो मच।